इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, लिहाजा तिब्बई यानी कि मेडिकल फील्ड में आज जाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत को हमने अभी कोरोना दौर में भी उसको महसूस किया है। लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जनाब इमरान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि जो MBBS जो डॉक्टरी के अंदर बड़े ही अदब एहतराम से देखा जाता है जिस पेशे को, वो MBBS के लिए आर्मेनिया में यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बेलगाम जैसा इलाका हो या तो पूरे मुल्क में करोड़ों रुपये लेकर, करोड़ों रुपये डोनेशन लेकर वहाँ पर दाखिला दिया जाता है, वो भी हासिल नहीं होता। लिहाजा कम यानी कि सालाना 2,80,000 के करीब फीस के ऊपर इन्होंने जो है MBBS डिग्री दिलाने के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटी से वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ मोहतरमा भी आई हैं। तो लिहाजा हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल, तमाम तफसीलात बताइए कि आप ये किस तरह से लोगों को जो है ये सहूलत मुहैया कराने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें ख़ासकर यहाँ पे भेजा गया है यूनिवर्सिटी से, जो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम यरेवान हैबूसाक यूनिवर्सिटी है, जो कि 30 साल पुरानी है। सो हमारी यूनिवर्सिटी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है MBBS डॉक्टर को ट्रेन करने का, ठीक। हाँ, आर्मेनिया में ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके कुछ बातें बताना चाहूँगा मैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं कोई भी चीज़ की, जैसे कि एक्रीडेशन हो गया और एकेडमिक पार्टनर्स इनके कौन से हैं, प्रोफेसर्स कहाँ से कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे फीस भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। और उसके ऊपर यहाँ पे MBBS नहीं, MD की डिग्री दी जाती है, जो कि एक स्टेप आगे है MBBS से। अब मान के चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे MBBS किया, ठीक है, आपको USA में PG करनी है, तो आपका यहाँ का जो MBBS करने के बाद वहाँ पे आपका क्राइटेरिया फिल नहीं होता, आपको 2 साल यहाँ पे मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है MBBS के ऊपर। जबकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है यरेवान हैबूसाक यूनिवर्सिटी, आप MD कोर्स ख़त्म करो, डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाओगे PG के लिए, आपको 2 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप सीधा सीधा 1 साल बचा रहे हो अपना, ऊपर से पैसा भी बच रहा है आपका। और आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में MBBS करना कितना महंगा है, 70 लाख से 1 करोड़ लग जाते हैं, और ऊपर से कंपटीशन इतना हाई है। 17 लाख बच्चों ने इस साल नीट के लिए नीट दे रहे हैं, 17 लाख बच्चे, और सिर्फ सीटें हैं 73,000। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना कंपटीशन है यहाँ पे। कंपटीशन होने की वजह से ही इतनी महंगी है MBBS इंडिया में। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो यूरोपियन एक्रीडेटेड है, आपको जो डिग्री मिलेगी वो ग्लोबली रिकग्नाइज होगी, वो MCI से भी अप्रूव्ड है, WHO से भी है। तो लगभग क्या है हमारी जो यूनिवर्सिटी में, जबकि इंडिया में एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको, इंडिया में क्या है प्रोफेसर सेंट्रिक एजुकेशन है, बट हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेसर पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स के ऊपर कम्प्लीटली स्टूडेंट के अराउंड में चलता है पढ़ाई वहाँ पे। और क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम बलोना सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ से कर लिया, हमारी यूनिवर्सिटी से कर लिया, PG आपको दूसरी जगह पर करनी है, जैसे यूरोप में करना है आपको, जर्मनी का हो गया या तो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो गई या USA हो गया, बड़ी बड़ी जो नामी कंट्रियाँ हैं जैसे कनाडा हो गया आपका, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA। तो क्रेडिट सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि हम लोग USA का स्टडी सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ईजी होता है एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र लेना हो या एक जगह से दूसरी जगह एडमिशन लेना हो, तो इतनी ज़्यादा सहूलत है। इसके साथ साथ एकेडमिक पार्टनर्स, हमारे जो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक पार्टनर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, आप लोगों को तो पता ही होगा
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लुइजियाना, ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं। और इससे क्या होता है कि जो गेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब आपको यहाँ पे नॉलेज हर जगह से मिल रहा है, आपको एक जगह से नहीं, इंडिया से भी है प्रोफेसर्स वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं 70% वो डॉक्टरेट डिग्री से है, मतलब PhD के ऊपर जो साइंटिस्ट है, ये बेहतर बता सकती हैं उसके बारे में। हाँ, 75% ये आज तक एक साखोयान है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एरेवान हाइबूसाक यूनिवर्सिटी यहाँ पे इनको खास कर भेजा है आप लोगों के लिए, ताकि एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ईजी रहे। हो क्या रहा था कि यहाँ पे एजेंट्स थे हमारे यूनिवर्सिटी के, तो क्या हो रहा था कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट तक एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो सही तरह से नहीं मिल रही थी। क्या हो रहा था कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कुछ बोलती थी, बीच में क्या होता था कि उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया एजेंट्स ने अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है $3,800, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते थे एजेंट्स, बढ़ा चढ़ा के उसको $5,500 बना दिया, 6,000, ऐसा होता था। तो ख़ासकर यूनिवर्सिटी को जब पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने टोटली कम्प्लीटली उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, ये स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे कोई डोनेशन भी नहीं है, डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और ट्यूशन फी एकदम अफोर्डेबल है, एकदम अफोर्डेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हिंदुस्तानी खाना मिलता है, हाँ ये भी अच्छी बात है। हॉस्टल्स में फैसिलिटी पूरी एकदम हाई फाई फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल्स के, हाँ। और हम मैं खुद वहाँ पर रहता हूँ आर्मेनिया में, तो ये वजह ये है रहने की वहाँ पे, कि ताकि मैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं मेरे साथ उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकूँ। क्योंकि ये चीज़ होती है कि जब कोई स्टूडेंट निकलता है अपने घर से, मतलब 10वीं या 12वीं करके निकलता है, तो उसको थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसी वजह से मैं वहीं पे रहता हूँ और उनका पूरा देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और हमारी जो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मोर हमारी कंसल्टेंसी नहीं है, हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं यूनिवर्सिटी से। जो भी होगा हम टोटल ये जो हमारा जो ये मकसद है ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने का, यही एक मकसद था कि स्टूडेंट को सही राह दिखा सकें हम लोग, उन स्टूडेंट को कुछ भी डिफ़िकल्टीज ना हो, वो जिस चीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं वही करें, जो कि पढ़ाई, बाकी की जो भी जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर है। यहाँ पर जो है खुद आर्मेनिया से यहाँ पर तशरीफ़ लाई है मोहतरमा, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि वो तमाम तफसीलात एक्सप्लेन योर रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी। आवर यूनिवर्सिटी वन इज़ द बिगेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन माय कंट्री, एंड आवर यूनिवर्स इट वाज फाउंडेड इन 1990 बाय एकेडमिशियन लेवन हारूचुनिया, and nowadays it's one of the leading universities in Armenia, and we have students from abroad everywhere, from Israel, from Iran, from Iraq, from Iraq, from Russia, from Ukraine, from Europe and other countries, from Italy. When we have students, and many Indians, we have about 70% of our foreign students are Indians. We love them, and Indians also love our country and university too. And our university, I don't understand the language Urdu, but I could understand that he already talked about the accreditation. Yeah, that we last year we got European accreditation. What this mean? That our diploma is certificate. That we are calling in Armenia that diploma. Yeah, the degree it is recognized in 48 countries, European 48 countries, with that only with that. Accreditation. Plus, we have there United States, Canada, New Zealand, Australia, and other countries. About all over the globe, it's recognized. What give this accreditation to us? Yeah, it means that our students who are studying in these countries or 48 countries, any of that countries in list,
they can anytime do some changes. They don't like their university, or they want to go on somewhere, some other country, study there. Maybe they don't like the country. They can easily go to other country which is in that list. European Higher Education Area countries list. And besides that, when they finish their degree, for example, MBBS, but our university is giving not a bachelor degree, it's giving master degree. MD. MD, yeah. When you will finish MD in Armenia, you can go your postgraduate to other countries very easily, because the education system the same, and it's we have that qualification. This accreditation is approving the qualification our university, that it is equal to other European country universities. About the safety, our country most of all likes girls because they are feeling themselves very safe. In Armenia, you can come out in any time, in the night, even 2 o'clock p.m., a.m., doesn't matter. Girls can go alone, walk in the city, and no one will tell them anything bad. How they went out, then safe, they will come back. एक लास्ट चीज़, ये जो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे बैठे बैठे आप देख सकते हो. मतलब आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लो, ठीक है? क्योंकि है ना, मैं जब बोल रहा हूँ कुछ चीज़, तो आपको एक उसके ऊपर भी रिसर्च करो, ताकि आपको एक भरोसा हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ. और इसके साथ साथ वो जो कंट्री है, आप देख सकते हो वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स में वो आती है 10 नंबर पे, जबकि इंडिया आता है 74 नंबर पे. तो आपको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सेफ है. किसी भी पहर आप बाहर निकल सकती हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेफ्टी 100%. हमारे साथ यहाँ पर मुश्ताक फारूकी साहब हैं, और वो ख़ुद तारुफ के मोहताज नहीं हैं. यहाँ पर तकरीबन लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, लिहाजा हम वो ही यहाँ के ज़िम्मेदार हैं. और वो भी बताएंगे कि बताओ कि ये जो आर्मेनिया की यूनिवर्सिटी का जो आपने ये शुरू किया हुआ है, वो दूसरे यूनिवर्सिटियों से कैसे बेहतर है? देखिए, अल्लाह ताला जो है, मेरा एक हमेशा ये मुद्दा रहा है कि हमारी कौम के बच्चे हर तरह से तरक्की करें, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने. जब ये मेरे सामने मामला आया, जैसे मेरे मोहसिन दोस्त तहसीलदार ने ये कहा कि एक ऐसा सा प्रोजेक्ट है, आप इसमें हमारी मदद करें तो अच्छा रहेगा, तो मैं यही मकसद को लेकर उठा के, क्योंकि मैं भी जो है एक अलमीन का ज़िम्मेदार मेंबर हूँ, और मुझे तालीम से बड़ी वाकफियत भी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे कौम के बच्चे जो है ये बिल्कुल कम इसमें, यानी 30-35 लाख के अंदर जो है इनका पूरा कोर्स हो जाता है, 25 से 26 लाख में. नॉट मैक्सिमम मैं बताया, लेकिन हकीकत में देखिए 2.8 लाख इनकी फ़ीस है सालाना यूनिवर्सिटी की. अब बाकी के आपके अखराजात जो हैं वो 30 उसके ऊपर जैसा आप चाहेंगे वैसा रह सकते हैं. और इस यूनिवर्सिटी में जहाँ मालूमात हमारी मोहतरमा से मिला कि वहाँ पर लड़कियों का अलग से हॉस्टल है, जेंट्स का अलग हॉस्टल है, ज़ीरो क्राइम है वो कंट्री, मैंने इस वेबसाइट में जाकर देखा. तो इसके पेश नज़र मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग इसमें बड़े शौक से जो है, अगर उनका यहाँ पर नीट में या यहाँ के यूनिवर्सिटियों में अगर दाखला नहीं मिलता है, तो वो हमसे रुजू होकर इसमें दाखला ले सकते हैं. दुनिया में जो है कहीं भी जाकर तालीम हासिल करना है, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपको तालीम हासिल करना है तो चीन भी चले जाओ. ये हमने सुना है, रिवायतों में भी देखा है. तो अब आर्मेनिया कोई दूर कंट्री नहीं है, सारी दुनिया आज हमारी मुट्ठी में है. अब हम देख रहे हैं यहाँ बैठ के, सारी दुनिया का जो है मुजाहरा करते हैं, देखते हैं. तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहते हैं, डॉक्टर बनवाना चाहते हैं, तो इसमें इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें. और हमारा यहाँ दफ्तर खड़े बाज़ार में खुला है, और इसके काफ़ी हमारी बेंगलुरु में भी है, वहाँ भी आकर हमारा जो है मिल के जो है दाखिला ले सकते हैं. ये मेरी तो
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुश्ताक फारूकी साहब, यही यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, लिहाजा इनका कहना है कि कौम और मिल्लत के बच्चे अगर डॉक्टरी सीखना चाहते हैं तो कम फीस के अंदर, कम रुपयों में वो हजवा आला तालीम हासिल कर सकते हैं। और इनसे हम भी गुजारिश करते हैं कि जो भी लोग, जो भी बच्चे अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं MBBS आर्मीनिया में जाकर, उन वो जो है मुश्ताक फारूकी साहब से रابطہ करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।